नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है 2023 माशी तौर पर संगीन साल। कॉलम निगार है मिर्जा इख्तियार बेग और आवाज है अक्सरजादा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। माशी लिहाज से 2023 पाकिस्तानियों के लिए एक मुश्किल तरीन साल साबित हुआ, जिसमें रिकॉर्ड महंगाई, बेरोजगारी, रुपए की कदर में कमी, बिजली गैस की कीमतों और शरई सूद में इजाफा, सनती पैदावार, एक्सपोर्ट और गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी और सियासी अदम इस्तेहकाम जैसे चैलेंजेस का हुकूमत को सामना रहा, जिससे मुल्क की जीडीपी ग्रोथ मनफी हो गई। पीडीएम हुकूमत खत्म होने से चंद रोज पहले आईएमएफ स्टैंड बाय मुआहदे की वजह से हुकूमत 1.2 अरब डॉलर की पहली किस्त लेने में कामयाब हुई, जिसके बाद दीगर आलमी इदारों और दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान को कर्जे दिए, जिनसे मुल्की मईशत में कुछ बेहतरी आई। लेकिन बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से 2023 में अफराद ज़र यानी महंगाई रिकॉर्ड 39% की सतह पर पहुंच गई, जबकि स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट रिकॉर्ड 22% की शरह तक रहा। 2023 में पीडीएम हुकूमत ने कानून साजी के जरिए खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIF कायम की, जिसका बुनियादी मकसद ज़राअत, मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, दिफाई पैदावार और तवनाई के शोबों में मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी लाना है। ये इदारा सिविल और अस्करी कयादत में सरमायाकारों के लिए 1122 ऑपरेशन का काम करेगा, जिसके बड़े मंसूबों में UAE और सऊदी अरब की ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के शोबों में शराकत दारी शामिल है, जिसके लिए पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के पहले मरहले में चोलिस्तान के सहराई इलाकों में जमीन को काबिले काश्त बनाया गया है। वज़ीरे आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में UAE और कुवैत के दौरों में याददाश्ती मुफाहिमतों MOU पर दस्तखत किए हैं, जबकि सऊदी अरब और UAE के साथ 14 साल बाद नए सरमायाकारी मुआहदे भी फाइनल हुए हैं, जिसने पाकिस्तान और खलीजी ममालिक GCC के माबैन FTA मुआहदे की राह हमवार की है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मौजूदा ज़रे मुबादला ज़खायर 13 अरब डॉलर हैं, जिसमें स्टेट बैंक के ज़खायर 8 अरब डॉलर और निजी बैंकों के ज़खायर 5 अरब डॉलर शामिल हैं। हुकूमत के क्रैक डाउन और स्टेट बैंक की एक्सचेंज कंपनियों पर सख्ती की वजह से पाकिस्तानी रुपए की कदर इंटर बैंक में 283 रुपए और ओपन मार्केट में इसका इजाफी फर्क खत्म हो गया। इफराते जर कम ना होने की वजह से स्टेट बैंक को अपना पॉलिसी रेट 22% पर रखना पड़ा, जिससे बैंकों की शरह सूद 24-25% तक पहुँच गयी, जिससे निजी शोबे के कर्जों और सनती शोबे की पैदावार में 14.55% कमी आई। हुकूमती गर्दिशी कर्जे बढ़कर 5,500 अरब रुपए तक पहुंच गए, जिसमें बिजली के शोबे के 2,600 अरब रुपए और गैस के शोबे के 2,900 अरब रुपए के कर्जे शामिल हैं। इसके अलावा खसारे में चलने वाले हुकूमती इदारे भी सालाना 500 अरब रुपए नुकसान कर रहे हैं, जिस पर IMF को तश्वीश है। IPP के गलत मुआहदों की वजह से पाकिस्तान में बिजली के निर्ख खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में 45% ज्यादा हैं। निगरा वजीर तवनाई मोहम्मद अली के मुताबिक खित्ते के दीगर ममालिक में बिजली 8 से 9 सेंट फी यूनिट है, जबकि पाकिस्तान में बिजली की कीमत 15 सेंट फी यूनिट है, और इस हिसाब से घरेलू सार्फीन को बिजली 42.72 रुपए यूनिट फराहम की जा रही है। निगरा हुकूमत ने IMF से $700 मिलियन की दूसरी किस्त लेने के लिए घरेलू सार्फीन के गैस के नरखों में 174%, कमर्शियल सार्फीन के लिए 137% और सनती शोबे के लिए 193% रिकॉर्ड इजाफा किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज
जो 66,000 इंडेक्स की हद उबूर कर चुका था, कम होकर 64,600 इंडेक्स की सतह पर आ गया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने 8 दिसंबर को 30 अरब रुपए 105.8 मिलियन डॉलर का पहला इस्लामिक इजारा स्कूक बॉन्ड कायम किया। स्टेट बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के करंट अकाउंट खसारे में बेहतरी आई है, जो 1.5 अरब डॉलर रह गया है, जबकि तिजारती खसारे में भी कमी आई है। चावल की फसल में 18% इजाफा और गंदम की फसल भी बम्पर हुई है। मजमूई तौर पर 2023 पाकिस्तानियों के लिए एक मुश्किल तरीन साल साबित हुआ, और आवाम महंगाई, बेरोजगारी, रुपए की कदर में कमी और बिजली गैस के ऊंचे नरखों की वजह से मुश्किलात का शिकार रहे। लेकिन 2024 के लिए मौशी माहिरीन पुर उम्मीद हैं कि मईशत में बेहतरी आएगी, मगर इलेक्शन और नौ मुंतखब हुकूमत आने के बाद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के इम्कानात मुतवक्के हैं। 2023 की मनफी GDP ग्रोथ के मुकाबले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF, ब्लूमबर्ग और अक़वामे मुत्तहदा ने 2024 के लिए पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2-3% रहने की पेशगोई की है, जबकि अक़वामे मुत्तहदा ने कहा है कि इस साल पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया के दीगर कम आमदनी वाले ममालिक को फूड सिक्योरिटी और मौशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। IMF ने 2024 में आलमी ग्रोथ 3% रहने और चीन में रियल स्टेट शोबे में बहरान की पेशगोई की है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का साल करार दिया है, जो पर्सनल कंप्यूटर के बाद अब तक सबसे अहम पेशरफ्त है। लिहाजा 2024 पाकिस्तान और दुनिया के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।